2017 में वीकेंड के वार पर आए करण जौहर ने दिया अभिषेक का साथ, ईशा और समर्थ की लगाई लंका। तो इस वीडियो के साथ आप भी बने रहिए अंत तक। इस वीकेंड के वार पर सलमान खान नहीं करण जौहर नजर आने वाले हैं और करण जौहर ने आते ही घर में कंटेस्टेंट की लगा दी है क्लास। सलमान खान अपने बिजी शेड्यूल होने के चलते इस वीकेंड के वार को स्किप करने वाले हैं। और वैसे मैं आपको बता दूँ, सलमान खान ने भी अभिषेक को लेकर जो सपोर्ट किया था वो सबके सामने था। अभिषेक जो घर में वापस आया उसकी सबसे बड़ा और सबसे मेन रीज़न सलमान खान ही थे। सलमान ही वो इंसान थे जिन्होंने सारे कंटेस्टेंट को इन्फ्लुएंस किया कि अभिषेक घर में आना चाहिए। अभिषेक की गलती उतनी ही है जितनी ईशा और समर्थ की है। अब इस कंट्रोवर्सी पर करण जौहर ने भी अपना रुख जो है वो साफ कर दिया है। ईशा और समर्थ को फटकार लगा दी है करण जौहर ने आकर। करण ने कहा कि मुझे लग रहा है कि अभिषेक के साथ बार बार जो पोकिंग की जा रही है ये सोची समझी प्लानिंग है। अभिषेक आखिर घर में आने के बाद क्यों सबको टकरा है? मुनव्वर हो गया, अंकिता हो गई, इवन ईशा और समर्थ की तो बात समझ में आती है, उनका पर्सनल दुश्मनी है, लेकिन मुनव्वर और अंकिता भी जिस तरीके से अभिषेक के साथ दूर जा रहे हैं उससे साफ नज़र आ रहा है कि अभिषेक से लोग इनसिक्योर हो गए हैं। अभिषेक जब घर में वापस आया तो एक हीरो वाली उसने एंट्री ली। अभिषेक का इसके पहले कोई वर्चस्व नहीं था, अभिषेक का इसके पहले कोई बड़ी फैन फॉलोइंग नहीं थी, वो टॉप 5 में भी नहीं था, लेकिन एक थप्पड़ ने अगर उसको हीरो बना दिया तो अभिषेक ने वो काम किया है। करण जौहर ने कहा कि मुझे लग रहा है कि इस पूरे गेम में अभिषेक को सिर्फ और सिर्फ फंसाया जा रहा था, चाहे वो घर का कोई भी कंटेस्टेंट हो, हर कोई अभिषेक के खिलाफ खड़ा था, लेकिन आज जनता अगर अभिषेक के साथ खड़ी है तो इसकी बड़ी वजह है कि लोगों को दिख रहा है कि अभिषेक रियल है, वो जेन्युइनली अपने गेम को खेल रहा है। ईशा को बदनाम करने के लिए वो कुछ ऐसी हरकतें नहीं कर रहा है जो कि ईशा और समर्थ मिलकर कर रहे हैं। घर में आने के बाद अभिषेक के साथ जो इनसिक्योरिटी है मुझे वो सारी लोगों के नज़र में और मन में दिख रही है, चाहे वो मुनव्वर फारूकी हो। मुनव्वर की दोस्ती अगर इतनी अच्छी थी तो अभिषेक के घर जाने के पहले उसने अभिषेक के लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया? अंकिता जी जो अच्छी और सच्ची की देवी बनी घूमती हैं, अंकिता ने आखिर अभिषेक को एविक्ट क्यों किया? और अगर किया तो किया उन्होंने, अगर प्रॉब्लम था तो अभिषेक को रिटर्न लाने के लिए वोट अपील क्यों की? इन सारी बातों पर करण जौहर ने बेबाकी से जवाब दिया है और करण जौहर ने भी वही स्टैंड लिया है जो कि सलमान खान ने लिया था। करण जौहर ने कहा कि अभिषेक जिस तरीके से तुम गेम खेल रहे हो जनता तुम्हें पसंद कर रही है, लेकिन तुमको सतर्क रहकर गेम खेलना होगा कि अब इस घर में कौन किसका है ये सबके सामने आ चुका है। अभिषेक वैसे घर में आने के बाद ये सारी बातें समझ भी चुका है कि यहाँ पर जो भी रिश्ते हैं वो सारे फेक हैं, इस घर में अभिषेक का कोई भी नहीं है, इवन कोई किसी का नहीं है, हर कोई सिर्फ और सिर्फ गेम के लिए अपने रिश्ते बदल रहा है, चाहे वो मुनव्वर हो। अंकिता और विक्की की बात की जाए तो यहाँ पर भी करण जौहर ने कहा कि जब हस्बैंड वाइफ के ही रिश्ते क्लियर नहीं हैं तो दोस्ती और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के कैसे हो सकते हैं? ये घर में जितने भी रिश्ते हैं वो सारे के सारे फेक हैं, लेकिन अभिषेक जो है वो जेन्युइन पर्सनालिटी है, अभिषेक जेन्युइनली गेम खेल रहा है। वो मुनव्वर के साथ था तो उसने मुनव्वर के लिए स्टैंड लिया था, जब आयशा और घर वाले सब लोग मुनव्वर के खिलाफ थे तब अकेला अभिषेक था जो कि मुनव्वर का साथ दे रहा था। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर घर वालों को भी समझना चाहिए कि अगर अभिषेक को रिटर्न लाया गया है तो उसमें कुछ ज़रूर बात होगी। करण जौहर के इस बयान पर आपका क्या है ओपिनियन? और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।